गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अच्छा बीकॉम प्रथम सेमेस्टर विषय हमारा व्यवसाय सांख्यिकी और इसके अंतर्गत अपकरण की माप में हम लोग पढ़ रहे हैं चतुर्थक विचलन व उसके गुणांक की गणना। आज जो हमारा सवाल है वो सवाल है हमारा खंड श्रेणी का, क्योंकि जो क्वेश्चन में एक्स और एफ दिया है। जहाँ क्वेश्चन में एक्स और एफ दिया होता है वो खंड श्रेणी कहलाती है। जहाँ क्वेश्चन में आपको वर्ग के साथ
इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो Q3 हमारा 14 है, Q1 हमारा 8 है, Q3 14 प्लस 8 तो 6 बटा कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, मतलब 2 से काटेंगे 3 बटा 11, 11 से 3 को काटेंगे कट जाएगा, नहीं 0 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 11 से 3 22 हो जाएगा, 8 बचा 11 से 77 हो जाएगा, 3 बचा 30 हो जाएगा, 11 से 3 22 हो जाएगा। तो हमारा जो पार्टियल डेविएशन है वो कितना निकल के आ गया, कोफिशिएंट ऑफ पार्टियल डेविएशन 0.272। तो इस प्रकार सांकेत श्रेणी में चतुर्थक विचलन व उसके गुणांक की गणना हमने समझी। हम पहले बता चुके हैं चतुर्थक विचलन का उसके गुणांक के जो फॉर्मूले हैं, चाहे वो गतिज श्रेणी हो, चाहे वो खंडित श्रेणी हो, चाहे वो अखंडित श्रेणी हो, फॉर्मूले समान है, लेकिन उस फॉर्मूले में जो मान होना चाहिए है चतुर्थक, उन चतुर्थक की गणना श्रेणी में हर श्रेणी में अलग अलग, गतिज श्रेणी में अलग है, खंडित श्रेणी में अलग है और अखंडित श्रेणी में अलग है। इसलिए हमें मुख्य जो चीज है चतुर्थक की गणना को समझना है, बाकी तो फॉर्मूले हमारे सेम ही है, हम आगे जो हम जानते ही करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद अगली क्लास में हम अखंड श्रेणी के कंटीन्यूअस में चतुर्थक विचलन और उसकी गुणांक